प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है अनुसूची। अनुसूची क्या होता है? अनुसूची प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है जिसमें कि क्रमबद्ध रूप से प्रश्नों को अरेंज करके लिखा जाता है और उन प्रश्नों के माध्यम से हम तथ्य को संकलित करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम तथ्य संकलन की दो प्रविधियां, मैंने पुराने वाले अपने वीडियो में बताया भी था, तो तथ्य संकलन की दो प्रविधियां होती हैं, एक होती है प्राथमिक और एक होती है द्वितीयक। जो प्राथमिक तथ्य संकलन की प्रविधि है जिसमें पहली आ जाती है अवलोकन, इसको ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। एक आ जाती है प्रश्नावली, जो कुछ कुछ अनुसूची जैसी ही है, तो इसको डाक प्रश्नावली भी बोला जाता था। इसमें अंतर सिर्फ इतना होता है कि अनुसूची में हाथों हाथ प्रश्नों को फिल किया जाता है और ऑप्शन दिए हुए होते हैं कि आइदर ये 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 या ये। और जो प्रश्नावली होती है इसमें हम खुली जगह भी छोड़ते हैं अपने रेस्पोंडेंट को जवाब देने के लिए, तो ये उससे साथ साथ ही होती है। और ये अगला है साक्षात्कार। ये तीन प्रविधियां ऐसी हैं जिनको कि फील्ड में जाकर व्यक्ति प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा है, क्योंकि इसमें व्यक्ति खुद ही सामने आमने होता है और वो तथ्य संकलित करता है। द्वितीयक सोर्स ऑफ डाटा क्या होता है? इसमें आ जाती है डायरियां, अखबार, मैगजीन, प्रलेख, किसी भी प्रकार का ये वाला ये, क्योंकि ये द्वितीयक जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा है, क्योंकि ये व्यक्ति खुद फर्स्ट बार इकट्ठा नहीं कर रहा है तथ्यों को, ये हमारे को सेकेंडरी सोर्स से मिल रहा है, तो इसलिए इसको सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कहते हैं। ये प्राथमिक सोर्स है क्योंकि अवलोकन में भी खुद ही देख रहा है, प्रश्नावली में खुद व्यक्ति आमने सामने फर्स्ट बार ही जवाब दे रहा है, और साक्षात्कार में व्यक्ति खुद ही इंटरव्यू मेथड ले रहा है। और इसी के साथ ही हमारा आज का टॉपिक है अनुसूची। अनुसूची प्रश्नों की एक श्रृंखला, प्रश्नों का एक क्रमबद्ध रूप जिसमें कि व्यक्ति अपने तथ्य संकलन के लिए जिसको कि वो प्रयोग करता है। जहाँ तक बात है कि अनुसूची के इम्पोर्टेंस की, कि अनुसूची एक बहुत ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और 100% रिजल्ट देने वाली प्रविधि है, क्योंकि इसमें जो रिसर्चर और रेस्पोंडेंट दोनों बिल्कुल आमने सामने होते हैं, और जहाँ तक जो रिसर्चर है वो रेस्पोंडेंट के फेशियल एक्सप्रेशन को भी सामने से देखता है, ना सिर्फ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चेहरे के हाव भाव, व्यक्ति का जवाब कुछ और होता है और चेहरे के हाव भाव अलग होते हैं, तो उसके द्वारा वो उसको भी मापता रहता है और वो उसको भी फिर वो उसके माध्यम से, बातों के माध्यम से वो सही सूचनाएँ एकत्रित कर सकता है। तो इसीलिए जो ये जो अनुसूची मेथड है ये बहुत ही उद्देश्यपूर्ण और बहुत ही सटीक और सही रिजल्ट देने वाला होता है। इसलिए अगर किसी भी बेहतरीन रिजल्ट की कामना से, और हमारा जस्ट सबसे पहली बड़ी बात तो यह है कि हमारा टॉपिक क्या है, एप्रोप्रिएट प्रविधि का प्रयोग हम तभी करेंगे जबकि हमारी को हमें ये पता हो कि हम हमारे जो विषय है उससे उसके लिए कौन सी विधि सही होगी। कहीं पर ऐसा होगा कि हमें बहुत डेप्थ में जाना है तो साक्षात प्रविधि का प्रयोग करेंगे, कहीं पर ऐसा है कि हम को सिर्फ ओवरव्यू करना है और हमारा जो फील्ड है वो बहुत बड़ा है तो वहाँ पर हम अवलोकन पद्धति का प्रयोग करेंगे, और कहीं पर हमें मान लीजिए बहुत हमारा बहुत वास्ट है और हमको सूचनाओं को, प्रश्नों के जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से प्राप्त करने हैं और एक लिटरेट हमारा जो रेस्पोंडेंट है वो लिटरेट है, तो वहाँ पर हम प्रश्नावली क्वेश्चनेयर मेथड का प्रयोग करेंगे। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि हमें बिल्कुल सटीक रिजल्ट चाहिए लेकिन हमारा जो रेस्पोंडेंट है वो पढ़ा लिखा लिटरेट इतना नहीं है, तो व्यक्ति रेस्पोंडेंट खुद ही आमने सामने भरकर बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसके हाथ में प्रश्न बनाना तो उसके हाथ में है ना, जवाब तो वो उसकी भाषा का प्रयोग करके, उसकी जो लोकल लैंग्वेज का प्रयोग करके भी वो उसको समझाकर उनके रिजल्ट को प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए इसकी जो बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त करने वाली प्रविधि के रूप में इस अनुसूची प्रविधि को रखा जाता है। अगर हम अनुसूची प्रविधि के प्रकार की बात करते हैं तो पहला प्रकार जैसे है इसका कि अवलोकन
अनुसूची, अवलोकन अनुसूची किसको कहेंगे, अवलोकन अनुसूची उसको कहते हैं जिसमें कि व्यक्ति जो रिसर्चर और जो रेस्पोंडेंट है वो आमने सामने बैठे हैं, जो उत्तरदाता है वो अनुसंधानकर्ता के सामने बैठता है और उससे वो अवलोकन के द्वारा भी, जैसा मैंने पहले भी बताया कि व्यक्ति के फेशियल एक्सप्रेशन उसके मन की बात को कह देते हैं, इसलिए उसको अवलोकन साथ साथ वो इसको भी, अगर वो उसी समय उसमें अनुसूची में ना भी भरे तो भी वो उसको साथ साथ डायरी में नोट कर सकता है। ये उसको अपने आगे के रिसर्च की पूरी उस यथार्थता को पूर्ण करने के लिए ये काम में आएगा। दूसरा है मूल्यांकन अनुसूची। मूल्यांकन अनुसूची उसको कहते हैं, इसको रेटिंग शेड्यूल भी कहते हैं। ये उन जो, अगर मान लीजिए किसी मार्केट का ओवरव्यू करना है या मार्केट में किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी करनी है कि इस प्रोडक्ट का कितना फैलाव है, कितने लोग इसको पसंद कर रहे हैं, कितने लोग इसको नापसंद कर रहे हैं, तो वहाँ पर मान लीजिए किसी सीरियल की बात है, किसी प्रोडक्ट की बात है, तो उसके लिए हम इसको मूल्यांकन अनुसूची का प्रयोग करेंगे। तीसरा है प्रलेख, इसको डॉक्यूमेंट शेड्यूल भी कहते हैं। ये मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में, अतीत की किसी घटना के बारे में हमको जानकारी करनी है तो हम लाइब्रेरी में जाएंगे, वहाँ से बुक्स लेंगे, अखबार के माध्यम से, कटिंग के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से हम उस सारी सूचनाओं को एकत्रित करके वहाँ से हम अपनी अनुसूची में इन चीज़ों को फिलअप कर लेंगे। साक्षात्कार अनुसूची वो अनुसूची है जिसमें कि व्यक्ति, तो इसको हम इसीलिए इसको साक्षात्कार शेड्यूल भी नाम दिया गया है, क्योंकि इसको में व्यक्ति आमने सामने तो होता ही है, अवलोकन तो साथ साथ हो ही रहा है, लेकिन उसमें वो एक मान लीजिए प्रश्न उसका है तो उसके साथ साथ अगर अगले ने कोई ऐसा आंसर दिया है तो उस आंसर में से भी प्रश्न निकल कर आ जाता है, तो इस प्रकार से वो उसको कुछ कुछ भी ऐड भी कर सकता है, इसलिए इसको साक्षात्कार अनुसूची भी कहते हैं। संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, संस्था सर्वेक्षण अनुसूची वो कहेंगे जिसमें कि मान लीजिए किसी संस्था के बारे में हमको पूरी वृहद जानकारी करनी है तो उस वृहद जानकारी के लिए उस संस्था के जितने सारे लोग हैं उन सब से पूरे शेड्यूल भरवाएंगे, उन सबको बताया जाएगा, उनको पहले से ब्रीफ किया जाएगा और उस संस्था के बारे में पूरी सर्वेक्षण के माध्यम से उसके हर लेवल के व्यक्ति से अनुसूची को भरवा कर तब हम उस संस्था के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ संस्था प्रधान से भरवाया या टीचर से लिया, सपोज़ जैसा भी व्यक्ति का विषय होता है उस प्रकार से हम उस चीज़ को जान सकते हैं। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि अनुसूची क्या है, प्रश्नों की एक श्रृंखला बेहतरीन रिजल्ट देने वाली होती है, और जहाँ तक इसके प्रकार की बात करते हैं तो ये इतने प्रकार इसके हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अनुसूची कैसे बनाई जाए, तो उसके स्टेप्स हैं, तो जो फर्स्ट स्टेप्स आता है, प्रथम जो इसका चरण है, वो प्रथम चरण में व्यक्ति क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप पर व्यक्ति करेगा उसमें सिर्फ वो जो उसने टॉपिक लिया है, जिस टॉपिक के बारे में अनुसूची उसको बनानी है, उस टॉपिक के बारे में पूरी सूचनाओं को संकलित करेगा, सूचनाओं को इकट्ठा करेगा, पूरी सूचनाओं को इकट्ठा करेगा, जिस क्षेत्र का अध्ययन करना है, जिस क्षेत्र की अनुसूची बनानी है, जिन परिवारों के किसे उसको, जो उसके रेस्पोंडेंट है उनके बारे में पूरी सूचनाएं एकत्रित करना, उससे संबंधित लिटरेचर को पढ़ना। सेकंड जो चरण आएगा, द्वितीय चरण में वो क्या करेगा, इसमें जितने भी, अब उसने टॉपिक को तो चुन ही लिया, सूचना उसने पूरी सूचनाओं को संकलित कर लिया, अब उसका पूरा वो उससे मतलब पूरा गो थ्रू होगा कि कैसे जितनी भी सूचनाएं उसने ली और उसके बारे में जितना भी मटेरियल उसको मिल सकता है उस मटेरियल के बाद तक उसको पूरी का पूरा पढ़ लेगा, क्योंकि अब उसको जब बनाना ही शुरू कर देगा और यहाँ पर वो इससे जो लिटरेचर उसने लिया है उसके उपविभाग भी, उसके जो मान लीजिए इस बड़ा टॉपिक या बड़ा कोई विषय वस्तु है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े भी तो करेगा ताकि वो एक सही अनुसूची बना सके, तो उसके पूरा टॉपिक के बारे में, उसके छोटे छोटे टुकड़ों के बारे में पूरी तरह से वो अवेयर हो जाना चाहिए। तीसरी स्टेज पर जो आकर उसको जो तृतीय स्टेज है उसकी, इस स्टेज पर आकर वो प्रश्नों का निर्माण करने लग जाता है,
प्रश्नों का निर्माण करता है, क्योंकि यहाँ पर अब वो अब उसने इकट्ठा करना शुरू किया, तोड़ना शुरू कर दिया और अब वो प्रश्नों का निर्माण किया और चौथी स्टेज पर उसने क्या करेगा, चौथी स्टेज पर वो पूरा का पूरा सीक्वेंस बनाएगा, उसके क्रमबद्धता करेगा कि कैसे उसको, अभी तक तो उसने लिटरेचर को पढ़ा, लिटरेचर के टुकड़े उसको अलग अलग सॉर्ट आउट कर दिया, तीसरी स्टेज पर जाकर उसने प्रश्नों का निर्माण कर लिया, पर उसके सीक्वेंस को तो बनाएगा पूरा, ऊपर उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन लिखेगा, बीच के भाग में उससे संबंधित जो कि एकदम टॉपिक से संबंधित विषयों का के बारे में पूछेगा और तीसरे में उसका उनके बारे में उनके क्या विचार हैं उनके बारे में पूरे का, तो एक पूरा का पूरा वो सीक्वेंस बना लेगा। और जो पांचवी स्टेज पर क्या करेगा, वो पांचवी स्टेज पर जाकर वो कई बार टेस्ट करता है, वो सैंपल सैंपलिंग मेथड का प्रयोग करेगा और सैंपल के रूप में वो चार पांच या दस लोगों के ऊपर, क्योंकि ये जो अनुसूची है ये बहुत बड़ा क्षेत्र में से इंफॉर्मेशन लेने वाली पद्धति है, ये नहीं है कि दो चार पाँच लोगों से लिया, तो यहाँ पर दो चार पाँच दस लोगों के ऊपर वो टेस्ट करेगा कि मैं जो रिजल्ट चाहता हूँ, मेरी जो हाइपोथेसिस मैंने बनाई है, क्या वो हाइपोथेसिस पर मैं पूरा आया हूँ कि नहीं आया हूँ। अगर वो हाइपोथेसिस को सक्सेसफुल नहीं करती है तो वो उसका फ्रेमिंग भी दोबारा कर सकता है, उसके बारे में प्रश्नों को भी ऊपर नीचे कर सकता है और उसमें ऐड भी कर सकता है, तो एक प्रकार से पांचवें में वो थोड़ा टेस्ट कर सकता है और फिर जो है वो उसको जो कुछ भी चेंजेस करने हैं वो कुछ भी चेंजेस उसमें कर सकते हैं। तो आज के मैंने अपने वीडियो में आपको बताया अनुसूची क्या होता है, प्रश्नों की एक श्रमबद्ध श्रृंखला, अनुसूची के प्रकार मैंने बता दिए, अवलोकन, साक्षात्कार या जो है वो रेटिंग वाली, किसी भी प्रकार से चार पांच आपको मैंने ये इसके प्रकार बताए। फिर मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से अनुसूची वो बनाए, तो उसके पहले से लेकर पांच तक के चरण मैंने आपको बताए हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, अगले वीडियो में हम अनुसूची के इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे ताकि हम ये बताएं कि अनुसूची का जो भौतिक और जो फिजिकल और इंटरनल स्वरूप कैसे होता है, एक अच्छी अनुसूची की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। और अंत में मैं यही कहूँगी कि अगर तथ्य संकलन की सबसे महत्वपूर्ण प्रविधियों में एक अनुसूची मेथड है। थैंक यू वेरी मच।